गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन में फाइंड द प्रोडक्ट एंड आल्सो राइट एंड एडिशन सेंटेंसेस, और उसके बाद में आपको एडिशन सेंटेंसेस में आपको उसको नोट करना है। ओके, आप अपनी बुक पेज नंबर जो है आपका कितना है, 29 पे आप जाकर देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी और आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे इसका पहला नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपका ए पार्ट है, आपको 2 × 6, आपके 2 की मल्टीप्लाई आपको 6 में करनी है। तो आपको पता होना चाहिए 2 × 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद आपको राइट एंड एडिशन सेंटेंसेस में लिखना है, इसको कैसे लिखना है, 2 को 6 टाइम लिखना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया आपका, 6 टाइम। आया समझ में, क्लियर। इसका बी पार्ट आपका 3 × 4, 3 × 4, 3 × 4 कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। अब हमें 3 को 4 टाइम्स लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 + 3 + 3 + 3। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका, सी पार्ट में आपको क्या करना है, 6 × 7, 6 × 7 का 6 को आपो 7 टाइम्स लिखना है, 6 × 7 जा कितने होते हैं, 42। आपको टेबल्स लर्न है, 6 को 7 टाइम लिखेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, इसमें 3 पार्ट हैं, आपके क्लियर हो गए हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है, 2 से कम टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन से जो दे रखा है वो है आपका 17 × 8, 17 की 8 में आपको टेबल रीड करनी है, 17 × 8 या कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 136। क्लियर। बी पार्ट है आपका 14, देखो इसमें 40 टेबल आ गई, आप 40 टेबल कहाँ तक रीड करनी है, आपको 5 में रीड करनी है, 45 या कितने होते हैं, 45 कितने होते हैं, 70, कितने होते हैं, 70। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में 12 × 3 जा कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36। क्लियर। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, डी पार्ट में क्या करना है आपको, 19 की टेबल देखो रीड करनी है, 9 की टेबल किस में रीड करनी है, 9 टाइम लिस्ट करनी है, 99 जा कितने होते हैं, 171। देख लेना आप, आपको पता होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई में क्या करना है, 18 × 7 जा करना है, 18 × 7 जा कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 126 होता है, 126। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर एफ में है 20 × 7, 20 × 7, 20 की टेबल आपको रीड होनी चाहिए, 27 जा कितने होते हैं, 140। क्लियर, आपको टेबल लर्न है, मैंने आपको पहले बता चुका है कि आपको टेबल लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर जी में क्या करना है आपको, 16 × किससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 से, 16 × 8 जा कितने होते हैं, 128 होते हैं। और लास्ट में है आपको क्वेश्चन नंबर एच, और एच की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 29 × 9। अब आपको 29 की टेबल नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 29 की स्टेप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 × 9 = 81, 8 × 9 = 18, 2 = 18 और 2 = 8 कितने जाएंगे, 26। कितने जगह गए, 261। क्लियर। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू आपके क्लियर हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आपको विथ किससे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। क्लियर, आपको बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का चिन्ह बनाना है। कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, ए पार्ट है 7 × 8, ये बॉक्स दे रखा है और 8 × 4, 7 × 8 कितने होते हैं, 56 और 8 × 4 कितने होते हैं, 32। अब आप बताइए 56 ग्रेटर है ये 32, तो आपका कैसा चिन्ह लगेगा, स्टेप से लगेगा, तो इस बॉक्स में ऐसे चिन्ह लगाना है। क्लियर। बी पार्ट है आपका 6 × 7,
बॉक्स बना हुआ है 8 × 6। अब 6 × 7 कितने होते हैं 42 और 8 × 6 कितने होते हैं 48। तो 42 लेस देन 48, तो 48 तो बड़ा है, तो इस टाइप से इस बॉक्स में इस टाइप से चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी है 9 × 9 और बॉक्स बना हुआ है 9 × 10। क्लियर। और 9 × 9 कितने होते हैं 81 और 9 × 10 कितने होते हैं 90। अब 81 लेस देन 90, 81 90 से छोटा है, तो इस बॉक्स में ये सिंबल लग जाएगा इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर डी, डी में है 8 + 7 और बॉक्स बना हुआ है 8 × 7। अब 8 + 7 को ऐड करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो 8 × 7 कितने होते हैं 15 और 8 × 7 कितने होते हैं 56 और 15 लेस देन 56 क्योंकि 15 जो है 56 से छोटा है, तो इस बॉक्स में ये वाला साइन लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 × 8, बॉक्स है 12 + 12। 3 × 8 कितने होते हैं 3 × 8 जो होते हैं 24 और 12 और 12 को प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 24। दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आपस में इक्वल अगर लगाई तो बॉक्स में कैसा चिन्ह लगेगा आपका, इक्वल का चिन्ह लगेगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8 × 9, बॉक्स बना हुआ है 9 × 8, 8 × 9 कितने होते हैं 72 और 9 × 8 कितने होते हैं 72। दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इस बॉक्स में कैसा चिन्ह लगेगा आपका, इक्वल का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको हमने अभी आपको बताया, क्लियर आपको समझ में आया होगा, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 < 80। आपको 7 के मल्टीप्लाइज लिखने हैं जो 80 से कम हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 7 के टेबल नोट कर लें, 7 × 10 = 70 होते हैं, हमें करना क्या ना 80 से कम लिखना है, तो 7 टेबल हम नोट कर लेते हैं। कैसे, 7 बन जा 7, 7 × 2 जा 14, 7 × 3 जा 21, 7 × 4 जा 28, 7 × 5 जा 35, 7 × 6 जा 42, 7 × 8 जा 7 × 7 जा 49, 7 × 8 जा 56, 7 × 9 जा 63, 7 × 10 जा कितने होते हैं 70। और हमें इसमें 7 और प्लस करते हैं 77 हो जाएगा 80 से कम है ना, अगर इसमें 7 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहाँ तक लेना है 77 तक लेना है, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ए कार हैज 4 व्हील, ये कार के कितने पहिए हैं 4। अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी कितने व्हील्स होंगे, कितने 15 कार्स में, जब एक कार्स में 4 पहिए होते तो 15 कार्स में कितने होंगे, तो इसका सॉल्यूशन है ए कार हैज 4 व्हील, कितने व्हील्स होते हैं 4 व्हील्स और कार्स कितनी है 15 कार्स हैज 4 × 15 व्हील्स, 15 × 4 जगह तो होते हैं 60 व्हील्स, कितने व्हील्स होंगे 60 व्हील्स होंगे, 15 कार्स में कितने व्हील्स होंगे 60। अगर एक की वैल्यू दे रखी हो तो हमें ज़्यादा की फाइंड करनी होती तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ज़्यादा की वैल्यू हो कम की पूछे तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम कम की वैल्यू दे रखी है, एक कार की वैल्यू दे रखी है 4 व्हील्स हैं और इसमें हमें 15 कार्स के व्हील्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 4 कितने होते हैं 16। ओके, आपकी जो है एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.4, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। छोटी छोटी एक्सरसाइज, मैं आपको 2 एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसकी 2 पीडीएफ मिलेंगी, एक ही पीडीएफ होगी जिसमें 2 एक्सरसाइज होंगी और आप आराम से कंप्लीट कर सकती हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन से 4 × 10 कितने होते हैं 40, कितने होते हैं 40। सेकेंड क्वेश्चन से आपका 26 × 10, 20, 26 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ना तो आपको 20 की टेबल आपको लर्न कर सकते हैं ना 26 की, तो आप क्या करेंगे इसमें 0 दिखाई दे रहा है आपको, तो सबसे पहले आप 0 लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 0 के बाद 2 से 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सिक्स कितने होते हैं 12, कैरी 1
और टू सिक्स कितने होते हैं, टू टू जा कितने होते हैं, फोर, और फोर में वन प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, फाइव, 120। ओके क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से आपका 89 मल्टीप्लाई 40। बहुत आसान है, आपको मल्टीप्लाई जैसे कॉलम में लेकर के नहीं करनी पड़ेगी। 40 में एक जीरो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप जीरो लिखेंगे, फोर की टेबल फिर नाइन से टेबल रीड करेंगे, फोर नाइन जो होते हैं 36, कैरी हो जाएंगे थ्री, और फोर एट जो होते हैं 32, और 32 में प्लस करेंगे हम टू, कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, फोर एट कितने होते हैं 32, 32 में प्लस थ्री करेंगे कितने हो जाएंगे 35। क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में 127 मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 400 से। बहुत ईजी है, करना क्या है, पहले 400 में फोर टू जीरो है, कितने जीरो हैं तो आप पहले टू जीरो लगा लीजिए, लगा लिए। अब इस फोर से हमें सेवन से मल्टीप्लाई करनी है, फोर सेवन कितने होते हैं 28, टू, और टू से फोर को टेबल करेंगे, फोर टू जो कितने होते हैं एट, और प्लस उसमें करेंगे टू, कितने हो जाएंगे आप 10, कैरी वन, फोर बन जा फोर, और वन कितने हो जाएंगे 5। क्लियर, कितना आसान है आपको, अगर आप करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है 319 मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 100 से। बहुत ईजी है, देखो 100 में कितने जीरो हैं, टू जीरो हैं, कितने जीरो हैं, टू जीरो आप पहले लगा दो। अब इस वन से नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे, वन नाइन जा नाइन, वन की वन से करेंगे, वन वन जा वन, वन की थ्री से करेंगे, वन थ्री जा थ्री। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका 2356, 2356, और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 10 से करनी है, किससे करनी है 10 से। कोई नहीं, 10 में कितने जीरो हैं, पहले एक जीरो लगा लो, फिर वन की सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वन सिक्स जा सिक्स, वन की फाइव से करेंगे, वन फाइव जा फाइव, वन की थ्री से करेंगे, वन थ्री जा थ्री, वन की टू से करेंगे, वन टू जा टू। हैं कितने आसान हैं, आप आराम से कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1350 इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 10 से करनी है। अब 10 से करनी है, जैसे ऊपर करेंगे तो वैसे करेंगे, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, 10 में जीरो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप जीरो लिखेंगे, फिर वन की इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आती है, जीरो ही आएगा, वन की फाइव से करेंगे तो फाइव, वन की हम थ्री से करेंगे थ्री, वन की वन से करेंगे वन। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर एट बहुत ईजी है और आप समझ पा रहे होंगे, 347 की मल्टीप्लाई हमें 1000 से करनी है, किससे करनी है 1000 से। अब 1000 में देखिए कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपके, वन टू थ्री, थ्री जीरो है तो सबसे पहले आप थ्री जीरो लगाएंगे, वन टू थ्री लगा लिए। अब क्या करना है, केवल वन की पहले सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन सेवन जा सेवन, वन की फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन फोर जा फोर, वन की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वन थ्री जा थ्री। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है आपके 330 मल्टीप्लाई 300 है। अब देखिए 300 में पहले कितने जीरो आपके, टू जीरो हैं, पहले हम 300 में देखेंगे कितने जीरो, उतने जीरो हमने लगा लिए, लगा लिए टू जीरो हमने नोट कर लिए। अब क्या करना है, थ्री की मल्टीप्लाई पहले हम जीरो से करनी है, थ्री जीरो जीरो, किसी के मल्टीप्लाई हम जीरो से करते हैं तो जीरो ही आता है। अब उसके बाद थ्री की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, थ्री में, थ्री थ्री जा नाइन, और लास्ट में इस थ्री की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस थ्री से करनी है, थ्री थ्री जा नाइन। क्लियर। बहुत ईजी है और आपको समझ पा रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। टेन क्वेश्चन है इसका 19 मल्टीप्लाई 2000। अब देखिए 2000 में कितने जीरो हैं आपके, थ्री जीरो हैं, कितने जीरो हैं थ्री, वन टू थ्री। क्लियर। अब क्या करना है, टू बच्चा हमारा, इस टू से पहले 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, टू नाइन कितने होते हैं 18, 18 होगा, वन आपका कैरी हो गया। अब टू की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, वन से, किससे करनी है वन से, टू बन जा टू, और वन कितने हो जाएंगे थ्री। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, छोटी सी एक्सरसाइज थी 4.4, तो मैंने इसी 4.3 के साथ मैंने आपको समझा दी, और अगर अलग अलग करते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो आप आराम से कर भी सकते हैं और इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप
और आज आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर एक है 11, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज ₹5,000। एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितने की है, 500 की है, ₹500 में मिलती है। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट। हमें फाइंड क्या करनी है, 15 शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है। आसान है, आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज रुपीज, कितने की, 500। क्लियर, वन शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500 है। हमें फाइंड कितनी करनी है, 15 शर्ट की। तो कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट इज रुपीज 500 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें किससे करनी है, 15 से। 15 0 0 15 0 0 15 5 75। क्लियर, ओके, या वन सेट की कॉस्ट 500 रुपीज और 15 सेट की कॉस्ट है वो भी आपके 500 से हमने 15 की मल्टीप्लाई करी, 7,500 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है और इसकी वन वीडियो और PDF मैं आपको सेंड करूँगा। और आप वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में क्या करेंगे, एक लाइक होता है, वो लाइक आप का बटन दबा देंगे, जिससे कि हमारी वीडियो अगर पसंद आए, जिससे कि हम और अच्छी से अच्छी तरह से वीडियो आपको सेंड कर सकें। ओके, क्लियर, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय, टेक केयर।